नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के नए वीडियो में। दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय जो डिफेंस है उसको देख के रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अभी अपने डिफेंस में इतना खर्चा किया है और जिस तरह से उसने नए नए मॉडर्न वेपन्स को अपने डिफेंस में शामिल किया है, उससे अब पाकिस्तान को ये डर बना है कि कहीं भारत हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए ये सब मिसाइल्स और वेपन्स तो नहीं खरीद रहा है, क्योंकि भारत जो है वह डिफेंस में हमेशा से अधिक खर्चा करता है। और जिस तरह से पिछले बीते हुए कुछ दिनों में भारत ने जिस तरह से बड़े बड़े मिसाइल्स और बड़े बड़े वेपन्स उसने खरीदा है, उसके बाद पूरी दुनिया अब भारत को एक बड़े और एक बड़े ताकतवर मुल्क के नज़र से देख रही है, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने मिलिट्री को इतना ताकतवर कर रहा है और मिलिट्री के साथ साथ में वो भारतीय जो नेवी और भारतीय जो एयरफोर्स है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इससे अब पूरी दुनिया भारत को एक ताकतवर मुल्क के नज़र से देख रही है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान को ये डर बना है कि भारत आखिर में इतना ज़्यादा मिसाइल्स और वेपन्स क्यों खरीद रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं भारत हमारे ऊपर कोई जल्दी ही कार्रवाई ना करे। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का इस समय रोना धोना लगा है कि भारत इस तरह से जिस तरह से अपने डिफेंस में इतना मॉडर्न चीज़ों को अपना रहा है, हमारे यहाँ डिफेंस को छोड़ो हमारे यहाँ रोटी भी एक टाइम की मिलनी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो पूरी दुनिया इस समय जान रही है कि पाकिस्तान में किस तरह के इस समय हालात हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। यह है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट का आइडिया, व्हाट ट्रिगर्स इंडिया कि इंडिया को मिलिट्री एक्सपोर्ट करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं देख रहा था कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा ये कह रहा है कि 2017 से लेके 2021 तक 2021 तक इंडिया जो है वो अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो म्यांमार को, श्रीलंका को, आर्मेनिया वगैरह को बेच रहा था, बट अभी इसको अपना उन्होंने जो अपना टारगेट किया वो को $5 बिलियन की एक्सपोर्ट किया है। सो व्हाट डू यू थिंक बेसिकली कि ये माइंडसेट क्या है टू एक्सपोर्ट द डिफेंस? डू यू थिंक इंडिया बिलीव्स के उनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा डिफेंस में तो उसकी नीड्स पूरी करनी है, या कि आप समझते हैं कि इससे ग्रेट पावर जो है वो सिग्निफिकेंस मिलती है, ऐसा फील होता है दैट एज इफ वी आर अ कंट्री दैट आल्सो डील्स इन डिफेंस, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इजराइल है। सो व्हाट इज अ माइंडसेट कि इंडिया बिलीव्स कि हमें ये डिफेंस पे जो है वो एक्सपोर्ट पे पैसा लगाना चाहिए, और व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, जरा इस पे हमें थोड़ा सा कहिए। चीमा साहब आपने जब सवाल पूछा आपने जवाब भी दे दिया, वही है, मतलब मैं एक्सपेंड कर देता हूँ जो आपके दो पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो यह कि इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा था कुछ साल पहले, वी वर द टॉप वेपन्स इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड, चीमा साहब आपको पता होगा, फिर हमारे बाद सऊदी अरेबिया था, फिर कुछ 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 था, अभी हम नंबर टू या नंबर थ्री पर पता नहीं कहाँ पे हैं, बट वी आर नो लॉन्गर नंबर वन। इसको हमें गायब करना है टॉप टेन से अपना नाम हटाना है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, दैट इज द प्राइमरी एम। अच्छा, दूसरी एम है कि यू कैनॉट रिलाई ऑन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, ये भी एक थिंकिंग है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, ठीक है, वी कैनॉट गारंटी अमेरिका रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है और $3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है, अमेरिका को $3 ट्रिलियन आपने उठा रखे हैं बॉन्ड्स में या जैसे भी उठा रखे हैं आपने, मतलब यू नो फ्रॉम चाइना सॉवरेन बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स आल्सो इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग वगैरह वगैरह जो भी है इनका, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क, बट $3 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। कल चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे, अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। अमेरिका देखिए, हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, हमें पता है भरोसे वाला यार नहीं है ये हमें पता है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है, हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने अमेरिका को सबके साथ देखा, हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई, तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इन एनीबडीज ब्लॉक, इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब वी आर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैनॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ, तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी। एक और चीज है,
हमारे यहां पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है चीनों से, करप्शन रहा है। बोफोर्स के बारे में आप पता नहीं आपकी नजरों से बात गुजरी कि नहीं गुजरी, लेकिन चीमा साहब कारगिल में इस्तेमाल, हाँ हाँ कारगिल में इस्तेमाल हुई थी। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था, फिर बाद में कोर्ट ने बोला उसके ऊपर, कोर्ट की अपनी मुख्तलिफ राय थी, अलग राय थी उसके ऊपर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज की ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर की, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड, तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे, सबसे पहली चीज ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। तो इंडिया के ऊपर एक जमाने में सैंक्शंस लगे हुए थे आफ्टर दी जो हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, पाकिस्तान पे भी लगे, भारत पे भी लगे। सो अगर हमें कोई हथियार चाहिए था चीमा साहब, वी हैड टू परफोर्स बाय इट थ्रू अ थर्ड पार्टी, वी हैड टू बाय इट थ्रू आर्म्स डीलर्स। क्वात्रोची का नाम बड़ा फेमस है इंडिया में, उसके ऊपर बड़ा यू नो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रशिया से जो मिलता मिलता, अगर हमें वेस्टर्न कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो रशिया के पास नहीं थी, तो वो फिर हमें बड़ी दिक्कत थी चीमा साहब। देन वी हैड टू यू नो यूज अ मिडिल मैन, फिर मिडिल मैन को पैसा दो, वो आपके यहाँ पैसे खिला रहा है लोगों को, इंडियंस भी उसमें करप्शन में शामिल है, ये सब ये खत्म हो गया। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस, फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है जैसा भी करता है उनका बैकएंड का जो भी मर्जी उनकी, वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई चीमा साहब। एक और ये बात है कि ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से भारत अपनी जिस तरह से मॉडर्न जो तकनीकी है उसको अपना रहा है अपने डिफेंस के अंदर में, और वो मिलिट्री को इतने ज़्यादा ताकतवर बना दिया है, और जिस तरह से उसने पिछले कई दिनों में जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल्स और बड़े बड़े वेपन्स खरीदे हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान हमेशा से डर रहा है और हमेशा से भारत की बुराई कर रहा है कि भारत जरूर हमारे खिलाफ़ कोई प्रोपोगेंडा करने वाला है, भारत हमारे खिलाफ़ ज़रूर कोई साजिश कर रहा है, इसलिए वो इतने सारे मिसाइल्स खरीद रहा है। और पाकिस्तान ने चीन के पास भी गुहार लगाई है कि हमें आप सुरक्षा दीजिएगा, क्योंकि भारत जिस तरह से इतनी ज़्यादा मिसाइल खरीदता है कि हमको डर है कि कहीं भारत हमारे ऊपर चढ़ाई न कर। दोस्तों अभी जो भारत की मिलिट्री है और भारत की जिस तरह से नेवी और एयरफोर्स तीनों को जिस तरह से मजबूत किया गया है, जिस तरह से उनके जो आर्मी हैं जो उनके सेना है उनको जिस तरह से तैयार किया गया है, उसके बाद पूरी दुनिया भारत को एक ताकतवर मुल्क की नज़र से देख रहा है। इसी से पाकिस्तान को अब डर है कि जिस तरह से पूरी दुनिया उसकी मिलिट्री की तारीफ़ कर रही है, तो हमको इससे डरना चाहिए कि भारत हमारे ऊपर जल्दी कोई कार्रवाई न कर दे, क्योंकि जब से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तब से पाकिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ इस तरह से इंडियन आर्मी करती है जिससे हमको दबना पड़ता है, और जो इंडियन की आर्मी की जो ताकत है इस समय वो नंबर वन पे मानी जा रही है, क्योंकि उनकी जो फौजी है उनके अंदर इतना जोश भर दिया गया है, जो उनकी आर्मी है उनके अंदर इतना जोश भर दिया गया है कि अब वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और हमारी जो आर्मी है हम केवल उनको कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो पावरफुल है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको एक डरपोक आर्मी की नज़र से देखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।